आखिर राहुल गांधी के उन बयानों से क्यों दुखी है गौरव वल्लभ कि उन्होंने दुखी होकर इस्तीफा दे दिया। तो क्या ये समझा जाए कि इतने सालों से जिस कांग्रेस ने देश पर राज किया, जो जिस कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे थे, उसी की विचारधारा और उसी के स्टैंड को लोग लगा रहे हैं और खुद ही के पार्टी के लोग। भारत एट नाइन देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ काजोल नारायण। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, मतदान के दिन वैसे वैसे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पिछले 24 घंटे में कांग्रेस से तीन बड़े चेहरों ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, इस दौरान नेताओं को पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ हो रहा है, ये कांग्रेस के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव को लेकर सुबगाहट शुरू हुई है, तब से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। 24 घंटे के भीतर तीन नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। इन सभी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद सबसे पुरानी पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि आखिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पार्टी को कैसे संजीवनी दे पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी कर चुके हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी कर चुके हैं। तो 24 घंटे के भीतर कौन से वो तीन नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ने के बाद सबसे पुरानी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए, चलिए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला नाम है गौरव वल्लभ। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ गुरुवार को पार्टी से इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए। सुबह उन्होंने इस्तीफा देने की बात की और दोपहर तक वो भाजपा के हो गए। उन्होंने सुबह ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लेकर इस्तीफा दिया था। गौरव ने खड़गे से कहा था कि वो ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकते हैं और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकते हैं, इसी वजह से पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखते हुए गौरव ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पार्टी के स्टैंड से असहज महसूस कर रहा हूं। जब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की तब मेरा मानना था कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वहां सभी के आइडिया की कद्र होती है, लेकिन ऐसा है नहीं। पार्टी का ग्राउंड लेवल कनेक्ट पूरी तरह से टूट चुका है और वो नए भारत की आशंका को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे हैं और इसी वजह से पार्टी ना तो सत्ता में आ पा रही है और ना ही मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है। बड़े नेताओं और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी पाटना बेहद कठिन है, जो राजनीतिक रूप से बेहद जरूरी है। जब तक एक कार्यकर्ता अपने नेता को डायरेक्ट सुझाव नहीं दे सकता, तब तक किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन संभव नहीं है। गौरव वल्लभ ने कहा कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस पार्टी के स्टैंड से मैं परेशान हूं। मैं जन्म से हिंदू और कम से शिक्षक हूं। पार्टी और गठबंधन से जुड़े कई लोग सनातन के विरोध में बोलते हैं और पार्टी का उस पर चुप रहना स्वीकृति देने जैसा है। उन्होंने कहा कि इन दिनों पार्टी गलत दिशा में आगे बढ़ रही है। एक ओर हम जाति आधारित जनगणना की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर संपूर्ण हिंदू समाज के विरोधी नजर आ रहे हैं। ये कार्यशैली जनता के बीच पार्टी को एक खास धर्म विशेष का हितैषी होने का संदेश दे रही है। ये कांग्रेस के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व नेता ने आर्थिक मामलों पर कांग्रेस का स्टैंड हमेशा देश के वेल्थ क्रिएटर्स को नीचा दिखाने का और उन्हें गाली देने का रहा है। उन आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियों के खिलाफ हो गए हैं, जिसको देश में लागू कराने का पूरा श्रेय दुनिया में हमें दिया है। देश में होने वाले हर निवेश पर पार्टी का नजरिया हमेशा नकारात्मक रहा। क्या हमारे पास देश में बिजनेस करके पैसा कमाना गलत है? बता दें कि कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में गौरव वल्लभ को उदयपुर सीट में मैदान से उतारा था, लेकिन वो बीजेपी के ताराचंद जैन से 32,000 से ज्यादा वोटों से हार गए थे। अगला नाम आता है संजय निरुपम का। कांग्रेस से निष्कासित हुए पूर्व सांसद संजय निरुपम ने गुरुवार को कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। निरुपम ने कहा कि कांग्रेस में 5 अलग अलग पावर सेंटर हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, नए अध्यक्ष खड़गे और वेणुगोपाल। कांग्रेस में वैचारिक द्वंद्व चल रहा है, इससे कार्यकर्ताओं में निराशा चल रही है। निरुपम कहते हैं कि अब उनका धैर्य खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी निराशा है। वैचारिक मोर्चे पर भी कांग्रेस खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती है। महात्मा गांधी सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते थे। सभी विचारधाराओं की एक समय सीमा होती है। धर्म को नकारने वाले नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। निरुपम ने आगे दावा किया कि भारत अब पूरी तरह से धार्मिक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि उद्योगपति भी बड़े गर्व के साथ मंदिरों में जाते हैं। वैचारिक और संगठनात्मक रूप से कांग्रेस पार्टी अव्यवस्था की स्थिति में है। कांग्रेस का वास्तविकता से संपर्क टूट गया है। उन्होंने कहा कि आधे लोग पुराने हो चुके हैं और उन्हें खत्म करना होगा। निरुपम कहते हैं कि राहुल गांधी के आसपास जो लेफ्टिस्ट हैं, वे आस्था में विश्वास नहीं करते। अकेले कांग्रेस ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के जवाब में चिट्ठी लिखी कि यह भाजपा का प्रचार है। उन्होंने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया।
इससे पहले संजय निरुपम ने गुरुवार सुबह ट्विटर पर यानी कि एक्स पर पोस्ट किया कि बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम अपना इस्तीफा भेजने के बाद पार्टी ने उन्हें निकाला। निरुपम ने इस्तीफे की तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा, ऐसा लगता है कि बीती रात मेरा इस्तीफा मिलते ही पार्टी ने मुझे निकाले जाने का ऐलान करने का फैसला लिया। ऐसी फुर्ती देखकर अच्छा लगा। तीसरा नाम आता है विजेंदर सिंह। बॉक्सर विजेंदर सिंह ने बुधवार को कांग्रेस छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया। 38 साल के विजेंदर सिंह ने 2019 में ही कांग्रेस ज्वाइन की थी। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद विजेंदर सिंह ने कहा कि मैं आज भाजपा में शामिल हो रहा हूं, ये मेरे लिए घर वापसी जैसा है। 2019 में मैंने चुनाव लड़ा, वापस आना अच्छा है। जब हम विदेश में प्रतिस्पर्धा करने जाते हैं तो हवाई अड्डों पर बहुत सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है खिलाड़ियों को काफ़ी सम्मान मिलता है। मुझे आशा है कि मैं लोगों का सही मार्ग दिखा सकूंगा। उन्होंने कहा कि मैं वही विजेंदर हूं, मैंने गलत को गलत सही को सही कहूंगा। विजेंदर सिंह ने 2019 का लोकसभा चुनाव दक्षिणी दिल्ली सीट से कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भी देश के लिए पदक जीते हैं। उन्होंने 2006 और 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक और 2010 खेलों के संस्करण के साथ साथ 2009 वैश्विक चैंपियन में कांस्य पदक जीते हैं। अनिल शर्मा। बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे अनिल शर्मा गुरुवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांप्रदायिक पार्टी बन चुकी है और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी सबसे ज्यादा सांप्रदायिक लोगों की कैटेगरी में आते हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में अनिल शर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। तो ये सारी कहानी जो है वो लगातार निकलती हुई सामने आ रही है कि कांग्रेस किस विचारधारा पे आगे बढ़ रही है और कांग्रेस को क्या ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या ये समझा जाए कि इतने सालों से जिस कांग्रेस ने देश पर राज किया, जो जिस कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे थे, उसी की विचारधारा और उसी के स्टैंड को लोग नकार रहे हैं और खुद ही के पार्टी के लोग। देखिए, अगर बात की जाए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और कांग्रेस की ओर से प्रोफेसर गौरव वल्लभ सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठ रहे थे। बात प्रधानमंत्री मोदी के सपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक तक पहुंच गई। संबित पात्रा जोर शोर से अपनी बात रख रहे थे, तभी अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और चार्टर्ड अकाउंटेंट गौरव वल्लभ ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो संबित पात्रा के लिए किरकिरी बन गया। गौरव वल्लभ ने पूछ लिया कि ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। पेशे से डॉक्टर संबित पात्रा इस सवाल में फंस गए। इसका वीडियो वायरल हो गया। गौरव वल्लभ उसी समय से मोदी सरकार के आलोचकों की पंक्ति में सबसे ऊपर पहुंच गए। ये वक्त था जब 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत जीत कराई बीजेपी का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर था। पार्टी के पास सुधांशु त्रिवेदी और संबित पात्रा जैसे दो ऐसे प्रवक्ता थे जो किसी भी बहस में अपना लोहा मनवाने वाली काबिलियत रखते हैं। गौरव वल्लभ उसी दौर में कांग्रेस की ओर से ऐसे प्रवक्ता के तौर पर उभरे जिनको लोग सुनना पसंद कर रहे थे। गौरव वल्लभ मोदी सरकार की आलोचना करते वक्त बहुत ही बारीकी से आंकड़े देते थे। एक दौर ऐसा भी आया जब सुधांशु द्विवेदी और गौरव वल्लभ के बीच बहस के वीडियो वायरल होने लगे, लेकिन 4 अप्रैल 2024 यानी कि आज की सुबह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका लेकर आई। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को हिंदी में लिखे एक चिट्ठी के जरिए उन्होंने पार्टी के जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया। सुबह 8 बजे के करीब इस्तीफे का ऐलान हुआ और दोपहर 1 बजे गौरव वल्लभ बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, 3 इस्तीफे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गौरव वल्लभ की चिट्ठी पर सवाल उठ रहे हैं। गौरव वल्लभ के इस्तीफे पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने लिखा, पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसे मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूँ, ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूँ। तो ऐसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सनातन का यहाँ मतलब हिंदुत्व के विरोध से है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है वेल्थ क्रिएटर्स। दरअसल उसका सीधा मतलब होता है कि उन लोग जो उद्योगपति हैं और बिजनेस के जरिए पूंजी का निर्माण करते हैं। तो आखिर राहुल गांधी के उन बयानों से क्यों दुखी हैं गौरव वल्लभ कि उन्होंने दुखी होकर इस्तीफा दे दिया। देखिए, उन्होंने अडानी अंबानी पर निशाना साधा। पहले जानेंगे राहुल गांधी के उन बयानों को जो गौरव वल्लभ के लिए कांग्रेस को छोड़ने की वजह बनते दिख रहे हैं। बीजेपी अडानी अंबानी को लोन देने के लिए तैयार, किसानों को नहीं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब बिहार के पूर्णिया पहुंची तो वहां पर एक रैली हुई। राहुल गांधी ने कहा कि मैं झूठा वादा नहीं कर रहा हूं। जब हम सत्ता में थे तो किसानों का 72,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया था। हम भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आए थे, लेकिन बीजेपी ने इसे रोक दिया। बीजेपी किसान विरोधी है, किसान इस देश के रीढ़ है, लेकिन बीजेपी अडानी अंबानी को सस्ता लोन देने के इंतजाम कर रही है। बीते साल मार्च के महीने में जब राहुल गांधी ने लोकसभा की सदस्यता ली थी तो उस समय भी उन्होंने अडानी को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो ये सवाल हमेशा पूछेंगे कि अडानी ग्रुप की फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके निवेश के हैं।
राहुल गांधी ने कहा, लोकसभा में मैं अडानी पर सवाल ना खड़ा कर सकूं, इसके लिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। बता दें कि उस समय हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से विपक्ष हंगामा मचा रहा था। पीएम की आत्मा अडानी में है। बीते साल अक्टूबर में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीएम मोदी की आत्मा अडानी में है, देश में पावर किसी और के हाथ में है। खेती और इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर अडानी के हाथ में है, देश की संपत्ति बेची जा रही है। हमारे दो बीते साल फरवरी में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने एक भाषण में कहा कि तमिलनाडु से लेकर केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश रह जगह एक ही नाम सुनाई दे रहा है, अडानी अडानी अडानी। राहुल ने कहा कि हम लोग पूछते हैं कि हर जगह एक ही सवाल किया जा रहा है, ऐसा कैसे संभव है कि किसी भी सेक्टर में अडानी घुसते हैं सफल हो जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 में अडानी अमीरों की लिस्ट में 609वें स्थान पर थे, लेकिन पता नहीं कौन सा जादू हुआ वो दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। भाषण के दौरान राहुल गांधी ने हम दो हमारे दो यानी कि अडानी अंबानी कहकर भी निशाना साधा। गौरव वल्लभ के अडानी पर दिए गए कुछ चर्चित बयान भी हैं। अडानी को रकम देकर अब हालात ऐसे हैं कि LIC खुद अपना इंश्योरेंस कराने घूम रही है। अडानी ने बैंकों से सेटलमेंट करके औने पौने दामों में खरीद ली। 4 जून 2023 की बात है। देश के अधिकांश लोग 2 जून की रोटी के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन एक जगह छप्पर फाड़ कर पैसा बरस रहा है। कांग्रेस ही संसद में पूछती है, मोदी जी अडानी से आप क्या रिश्ता है? 609 से दूसरे नंबर का गणित, इस पर मन की बात पर लेक्चर दीजिए। 609 से दूसरे नंबर पर अमीरी कैसे हासिल की जाती है? हमने किताबों में पढ़ा है सफलता के 101 नुस्खे, सफल गृहस्थ जीवन के 101 नुस्खे। इसी तरह BJP और मोदी ने एक किताब लॉन्च की है, अडानी को बचाने के 101 नुस्खे। तो ये सारे सवाल हैं जो लगातार पूछे गए हैं। कांग्रेस की पुरानी रणनीति है लोकसभा चुनाव में BJP की छवि को किसान विरोधी और पूंजीपतियों के सहयोगी वाली पार्टी बना देना। राहुल गांधी सहित पार्टी के सभी नेता इसी लाइन पर BJP को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो अब ऐसा नहीं कर सकते, गौरव वल्लभ ने साफ तौर पर कहा है। तो यहाँ घूम फिर के अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की रणनीति, कांग्रेस की मानसिकता, कांग्रेस की विचारधारा पर सबसे ज्यादा जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो सवाल उठा रहे हैं। इससे सबसे बड़ा नाम जो सामने आ रहा है वो है गौरव वल्लभ। गौरव वल्लभ ने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए अगर कांग्रेस को आगे बढ़ना है तो, वरना अभी उनका हाथ छोड़ते रहेंगे। भारत @9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।